Hello, Bacho! Alright, so beautiful students, how are you? Welcome back to the platform of Physics Wala, and this is your very own Pace Batch, and I am yours truly, Tina Chopra, your zoology mentor. सो हाउ आर यू गाइज कैसी चल रही है पढ़ाई डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बीच में दो तीन छुट्टियां भी हुई हैं आई एम सो श्योर कि तुम्हें टाइम मिल गया होगा अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का कुछ एक स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे एंड आई एम श्योर तुमने वो टाइम यूटिलाइज किया होगा एंड आई हैव बीन रीडिंग योर वेरी रेगुलरली एंड आई हैव है कि तुम्हें ये बर्गर क्विज वाला सेक्शन बहुत पसंद आ रहा है एंड आई हैव नोटिस्ड वन थिंग लाइक कल के लेक्चर में uh,

मोटिव है कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो डू लेट मी नो कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया सो गाइज वी हैव स्टार्टेड विद दिस दिस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज लेक्चर राइट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल राइट और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है राइट एंड वी व्यूज लॉट ऑफ एनिमेशन आई होप के उसके बाद उन एनिमेशन को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा सो हाउ डड यू लाइक द लेक्चर डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ओके चले तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड बर्गर इस पे पहुंचने से पहले जंप करने से पहले आज का लेक्चर अच्छी तरह से सुनोगे ठीक है एंड कि जब भी एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो वो इधर उधर जिस भी चैप्टर में स्कैटर्ड होता है हम सबको कंपाइल करके एक साथ पढ़ते हैं राइट तो इस चैप्टर में हम अपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़ा बहुत उन्होंने मसल्स के बारे में रखा है कार्डिक मसल्स मसल्स मसल स्ट्रक्चर्स एंड हम इसमें चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेक्चर नंबर थ्री सो वी है मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल मसल केलेटल मसल यानी जो आपकी बोन्स के साथ अटैच होती है वो आपके कंट्रोल में है आपकी विल से काम करती हैं, सो वी आल्सो कॉल देम वॉलंटरी मसल्स राइट एंड क्योंकि उनके पास स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं बैंड्स प्रेजेंट हैं ठीक है ए बैंड और आई बैंड की वजह से स्ट्रिएशंस प्रोड्यूस होती हैं सो वी आल्सो कॉल देम स्ट्राइटेड मसल्स क्लियर ऑलराइट अब ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं ये दो तरह के होते हैं क्लियर आपने रियलाइज किया होगा कि जब हमें दो तीन बार भी सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना पड़े तो हम थक जाते हैं राइट आर गेट फिटीक आज हम पढ़ेंगे कि वो फिटीक क्यों होता है आई नो तुम्हें आइडिया है ऑलरेडी बट वी आर गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट फिटीक एज वेल लेकिन कुछ मसल्स जो हैं जो जल्दी थकती हैं और कुछ मसल्स हैं जो बिल्कुल जल्दी नहीं थकती सारा दिन हम बोल सकते हैं राइट इतनी जल्दी थकावट नहीं होती टंग मसल की तो बेशक वो एक स्केलेटल मसल है देन वी आर स्टैंडिंग फॉर द होल डे आर बैक मसलेंस मसल ऑफ द बॉडी फॉर द होल डे वॉल्ट्री मसल है क्लियर लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं थकती 10-12 घंटे तो पता भी नहीं लगता है क्योंकि रोज की आदत है हाँ आज अगर कुछ ज्यादा काम करना पड़ गया और 12 घंटे के बजाय 14-15 घंटे हो गए तो लगेगा कि भाई आज कमर टूट गई राइट तो दोनों दो तरह के मसल्स हैं सीढ़िया ऊपर नीचे चढ़ते ही दो तीन बार ऊपर नीचे होते ही हमें थकावट फील होनी शुरू हो जाती है लेकिन बैक मसल्स जो आपके पूरा दिन वेट कैरी करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं थकती तो आई एम श्योर कि तुम्हें ये आइडिया लग रहा होगा कि मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स वो भी दो तरह की है सो विच आर टाइप्स वन इज योर रेड मसल फाइबर्स एंड सेकेंड इज योर व्हाइट मसल फाइबर्स ठीक है चलिए इनके बारे में देखते हैं सो so, दो तरह के स्केलेटल मसल फाइबर्स तो ये देखे फाइबर्स के स्पेलिंग हमने क्या लिखे तो ये फाइबर्स राइट सो so, फाइबर्स में ऑल राइट वी हैव रेड मसल फाइबर्स एंड वी हैव वाइट मसल फाइबर्स अब ये रेड या वाइट कलर कैसे बना हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर इवन दूसरे मसल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट पिगमेंट फर्स्ट पिगमेंट इज नोन एज का मतलब क्या है? मैंने बताया होगा कि का होता है राइट right? तभी मैंने बताया था कि मसल्स की स्टडी को क्या कहेंगे माओ मायोलॉजी सो मसल्स के अंदर जो एक ग्लोबलर प्रोटीन है जो एक पिगमेंट प्रेजेंट है ठीक है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है दैट पिगमेंट इज नोन एज मायोग्लोबिन एक हमने पिगमेंट पढ़ा है हीमोग्लोबिन रेडिश कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन योर आरबीसीज राइट ऐसा ही एक पिगमेंट आपके मसल्स में है डिफरेंसेस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है इज दैट क्लियर तो मसल्स को जब भी तुम यूज़ करोगे को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कैसे बनती है ऑक्सीजन फूड का करके सिंपल स्टोरी राइट जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं तो जब तक मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन रहेगी वो ऑक्सीजन देता रहेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता रहेगा यानी एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी क्लियर और जैसे ही मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन खत्म हुई उसका जो ऑक्सीजन स्टोर है वो डिप्लीट हुआ क्या होगा नाउ फूड विल बी ब्रोकन डाउन इन द एनारोबिक फॉर्म और तुम्हें पता है फिर क्या बनता है लैक्टिक एसिड उस पर भी हम दोबारा आएंगे इज इट क्लियर सो मायोग्लोबिन का रोल क्या है मायोग्लोबिन इज अ पिंकिश कलर्ड पिगमेंट पिंकिश पिगमेंट फाउंड इन योर मसल्स पिंकिश पिगमेंट है एंड सेकेंड इट इज फाउंड इन मसल्स और इसका काम है टू स्टोर ऑक्सीजन इट स्टोर्स ऑक्सीजन अनलाइक हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करेगा दिस इज गोइंग टू स्टोर ऑक्सीजन ठीक है अगर आपने सर्कुलेशन का टॉपिक अच्छे तरह से पढ़ा है तो मैंने वहां पे भी रेफरेंस दिया था मायोग्लोबिन का बर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है देखो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को लेके बहुत हाई एफिनिटी होती है जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कोई खास पसंद करता नहीं है राइट right? ऑक्सीजन के साथ तो बड़ी मजबूरी में बाइंड करता है बहुत हाई प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है अदरवाइज सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए थी कार्बन मोनोऑक्साइड टू से थ्री हंड्रेड ज्यादा राइट right? बट अगर हम मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी चेक करें आ, देखें तो मायोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वेरी हाई एफिनिटी अगर वही कर्व हम मायोग्लोबिन के लिए ड्रॉ करें तो गाइस देखो कैसा कर्व बनेगा सो so, देखो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था ठीक है सिमिलर सा ग्राफ इस तरफ अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन ले वहां परसेंटेज सैचुरेशन लेते हैं हम हीमोग्लोबिन की यहां हम लेंगे ऑफ मायोग्लोबिन एम बी और इस तरफ हम ले रहे हैं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एम एम ऑफ क्लियर सो वहां पे हमने देखा था कि जो वैल्यू यानी हाफ फिफ्टी परसेंट हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है विद ऑक्सीजन वो होती है लगभग 25 से 30 एम एम ऑफ मर्करी पे जाके इतने हाई प्रेशर पे राइट वो भी अगर हम प्लेन्स पे हैं जहां ठीक ठाक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑफ Air होगा और अगर हायर एल्टीट्यूड पर चले जाओ तो फिर तो और प्रेशर चाहिए बट नाउ लेट सी हाउ मायोग्लोबिन बिहेव माओग्लोबिन की इतनी हाई एफिनिटी है कि ये इवन फाइव एम एम ऑफ प्रेशर के साथ एकदम से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एकदम कैसा कैसी शेप आ रही है एक्सपोनशियल फेज आ रहा है तो जैसे ही इवन फाइव एम एम ऑफ मरकरी प्रेशर होगा तो हीमो सॉरी जो मायोग्लोबिन है वो हंड्रेड परसेंट उसके साथ बाइंड कर जाएगा और सैचुरेट होकर बैठ जाएगा तो यहां पे उसकी कंप्लीट सैचुरेशन हो गई तो सैचुरेशन के बाद क्या आ जाता है आपके पास कॉन्स्टेंट फेज सो यू गेटिंग टू फेजेस एक्सपोनेशियल एक्सपोनेशियल का मतलब होता है एकदम से राइट right? या लॉग फेज राइट और दूसरा आपके पास होता है कॉन्स्टेंट या स्टेशनरी फेस या प्लेटिव फेज इज क्लियर व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ द शेप ऑफ द ग्राफ इज इट इज रेक्टेंगुलर हीमोग्लोबिन के साथ जहां आपको सिग्मोइड कर्व मिलता है मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कर्व बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इजेक्ट क्लियर और वैल्यू देखो वैल्यू देखो द वैल्यू इज जस्ट फाइव एम एम ऑफ मौकरी तो इतनी हाई एफिनिटी है So, अगर इतना लो प्रेशर भी होगा तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ पूरा हो हो, जाएगा, ठीक है? है, 100% होने के बाद वो बैठा रहेगा। अब जैसे ही तो तुम शुरू करते हो, कोई भी फिजिकल होती ऑक्सीजन ये इसने जितनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की है ये उतनी ही ईजिली ऑक्सीजन को रिलीज भी करेगा कि लो, मेरे पास ऑक्सीजन है लो ऑक्सीजन और बनाओ एनर्जी क्लियर अब इसका मतलब यह भी है कि मसल के पास जितना मायोग्लोबिन होगा वो उतनी देर के लिए एरोबिक रेस्प, रेस्पिरेशन शो कर सकती है वो उतनी जल्दी थकेगी नहीं इज क्लियर सो मायोग्लोबिन इज अ पिंकिश कलर्ड पिगमेंट तो जितना मायोग्लोबिन मसल फाइबर उतना ज्यादा पिंक उतना ज्यादा रेड कलर का नजर आएगा दैट क्लियर सो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारे जो स्केलेटन मसल फाइबर्स हैं वो दो तरह के क्यों हैं एक है रेड जिनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है और दूसरे होंगे व्हाइट जिनके पास मायोग्लोबिन कम होगा इज इट क्लियर जितना मायोग्लोबिन ज्यादा उसके पास उतनी ऑक्सीजन ज्यादा वो उतना ज्यादा एरोबिकली एरोपायर करने वाला है ठीक है लेट्स गेट बैक टू द डिफरेंसेस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स क्लियर चलिए देखिए सो रेड मसल फाइबर्स जो है दे कंटेन हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन हाई कंटेंट प्लस साइटोक्रोम भी उसके पास ज्यादा होता है तो साइटोक्रोम एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ठीक है सो और पिगमेंट होगा और ये आप पढ़ोगे, जब बायो एनर्जेटिक्स uh, पढ़ते हो ग्लाइकोलिस तो एंड उसमें साइटोक्रोम का नाम आएगा तो जितना ज्यादा मायोग्लोबिन ज्यादा या साइटोक्रोम ज्यादा उतनी देर रेस्पिरेशन होगी क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया so, बेस में ज्यादा होगा सी, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मायोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाली है ज्यादा देर के लिए रॉबिक रेस्पिरेशन होने वाली है तो आपके जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं दे रेस्पायर एरोबिकली फॉर अ लॉन्गर टाइम ऐसा नहीं कि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी होगी बट देर से होगी बिकॉज दे हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देयर मायोग्लोबिन दे हैव लॉर्ट ऑफ माओग्लोबिन दे हैव लॉर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज क्लियर दे है वो ब्लड बहुत सारी ऑक्सीजन बहुत सारा फूड भी लेके आ रहा है सो so, हर हाल में ज्यादा देर के लिए रॉबिक लियर करेंगे इनमें फिटीक जल्दी नहीं होता है दे डो नॉट फिटीक इजिली डो नॉट फिटीक इजिली ऐसा नहीं है कि कभी नहीं थकेंगे बट जल्दी नहीं थकेंगी डो नॉट फिटीक इजिली इज दट क्लियर सो ये है आपके रेड मसल फाइबर्स अब ये रेड मसल फाइबर्स कि थकने का या लेट थकने का एक रीजन ये भी है कि ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती इज इट क्लियर सो दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन सी सो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी लेकिन कॉन्टिन्यूस हो सकती है फॉर अ लॉन्गर टाइम स्लो एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर टाइम अब जितनी स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है उतना कैल्शियम कम चाहिए होगा ठीक है और कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है एस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रेटिकलम के अंदर तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो डेफिनेटली ज्यादा है लेकिन इनके केस में एस जो है वो कम होता है एस सी आर एंड कैल्शियम इनमें लेस होता है एज कंपेयर टू द वाइट मसल फाइबर्स वाइट मसल फाइबर्स जो होते हैं ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं ठीक है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे तो इनको ज्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा कैल्शियम चाहिए होगा तो ज्यादा कैल्शियम किसमें प्रेजेंट होगा एस में, तो एस भी ज्यादा और कैल्शियम भी ज्यादा लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है ब्लड सप्लाई रिलेटिवली पुअर होती है मायोग्लोबिन इनके पास लो कंटेंट में है तो ऑक्सीजन भी इसके पास कम ही होगी इज दट क्लियर सो ये सारे फीचर्स दे आर वेरी कंट्रास्टिंग टू ईच अदर ठीक है तो इसका मतलब जो आपके वाइट मसल फाइबर्स हैं, ये जल्दी थकेंगी दे फिटीग इजिली

जो मसल्स है यानी जिस तरह जिस वजह से आप आई बॉल की मूवमेंट इधर और इधर ऊपर नीचे ये कर पाते हो तो बार बार अगर आपको आंखें घुमानी पड़े तो आपकी आंखें थकती हैं ज्यादा पढ़ाई करके तो थकती हैं ये तो एक्सपीरियंस सबको है बहुत जल्दी थकती हैं हमारी आंखें है ना तो एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स हा वाइट मसल फाइबर्स इवन आपके लिम्स की मसल्स अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे लिम्स के मसल्स के अंदर भी व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा रहेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी पोस्टरल मसल्स मीन्स जो कि आपकी बैक की मसल्स हैं जैसे कि एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक दे कैरी द वेट ऑफ द बॉडी फॉर द होल डे और वो उतनी जल्दी नहीं थकती जितनी की आपकी लिम्स की मसल्स जल्दी थकती है एक्ट क फ्लाइट जो फ्लाइट मसल्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की जिन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद रेस्ट नहीं लेते राइट right? तो इसका मतलब तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उनकी फ्लाइट मसल्स के अंदर कौन सा फाइबर होगा रेड मसल फाइबर ज्यादा देर के लिए रॉबिकली रिस्पायर करने वाली मसल्स एक्जैक्ट क्लियर सो ऑल्सो केस ऑफ They are found in the flight muscles of migratory birds. Now there are two types of birds. See, flight muscles of migratory birds. They also have red muscle fibers. ठीक है? दूसरे birds होते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल, इनको हम perching birds कहते हैं। यानी थोड़ा सा fly करते हैं and then they need to rest, they need to sit down. Fine, उनको बोलते हैं perching birds। तो उनकी muscle के अंदर white muscle fibers रहते हैं। सो फ्लाइट मसल्स ऑफ परचिंग बर्ड्स परचिंग का मतलब जो एक डाल से दूसरी डाल ही जाके बैठ जाता है सो फ्लाइट मसल्स ऑफ परचिंग बर्ड्स उनके केस में होंगी व्हाइट मसल फाइबर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के मसल्स में होंगी रेड मसल फाइबर्स इज दैट क्लियर सो ये हैं दो तरह के मसल फाइबर्स स्केलेटल मसल फाइबर्स व ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मायोग्लोबिन वंस अगेन पिंकिश कलर का पिगमेंट है मसल्स के अंदर होगा और ऑक्सीजन को स्टोर करेगा इट हैज वेरी हाई एफिनिटी वेरी हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्लियर और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है कि इट कैन बाइंड एट ए प्रेशर ऑफ इवन फाइव एम एम ऑफ मगरी तो इसका मतलब अगर मैं इसको हीमोग्लोबिन कर्व के साथ च, uh, कंपेयर करूं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर इस कर्व को हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ कंपेयर करें तो मायोग्लोबिन का कर्व राइट हैंड शिफ्ट शो कर रहा है या लेफ्ट हैंड शिफ्ट एग्जैक्ट क्लियर आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन चले सो क्वेश्चन इज कि वेदर इट शोज इट शोज राइट हैंड शिफ्ट और लेफ्ट हैंड शिफ्ट एज कंपेयर टू द हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन काज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और उससे भी पहले आपने मुझे ये बताना है कि कल का टॉपिक यानी मैकेसल तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया क्लियर चले आगे चलते हैं सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मसल फिटीक ठीक है तो जब बहुत ज्यादा हम मेहनत कर लेते हैं कभी कभी ठीक है जोश में आके आज तो हमने बहुत ही एक्सरसाइज कर ली कल हो ना हो ठीक है तो फिर कल की एक्सरसाइज भी आज ही हमने कर ली है राइट जोश में आके तो क्या होगा अब अगले दिन सुबह उठा नहीं जाएगा है ना दर्द हो रही होगी क्या हुआ है बेसिकली तो आपकी मसल्स फिटीक कर गई है भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी मसल्स थक जाती हैं तो क्यों थकती हैं फिटीक क्यों होता है क्योंकि उन मसल्स के पास मायोग्लोबिन कम था ज्यादा हो या कम हो कभी ना कभी तो थकेंगी क्यों थकती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है ऑक्सीजन खत्म हो जाता है डिप्लीशन का मतलब खत्म हो जाना है ठीक है ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा तो अब चलेगा की कमी चल रही है तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी आपकी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन शोन बाय द मसल्स और एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुमने पढ़ा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान देखो फूड कैसे ब्रेक डाउन होगा C6H12O6 इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड राइट एंड इट इज ऑल द कमाल ऑफ दिस लैक्टिक एसिड दैट योर मसल्स फील पेन क्रैम्स जो पड़ते हैं वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ते हैं इज इट क्लियर अब फिर तुम क्या करते हो बैठ जाते हो ठीक है डीप इन्हेल करते हो उससे क्या होगा सो so, इस लैक्टिक एसिड की वजह से होना क्या है और इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा लेट्स सी देखो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स होंगे पेन होगी राइट ओवरऑल मसल फिटीग होगी फिटीग का मतलब थकावट होगी ना वॉट विल हैपन टू दिस लैक्टिक एसिड तो जब तुम आराम करने बैठ जाते हो कि आज एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे तो वॉट विल हैपन सो वॉट इज द फेट ऑफ लैक्टिक एसिड सी सो Out of 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 the 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 total total, total. total lactic acid formed, see I'll write it LA. One -fifth of the total lactic acid. jab tum half ke फॉर्म gaye ho deep inhale कर रहे हो तो उस ऑक्सीजन के साथ इस वन फिफ ऑफ लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन किया जाएगा ऑक्सीडाइज किया जाएगा ठीक है तो वन फिफ ऑफ लैक्टिक एसिड का क्या होगा और बाकी फोर फिफ्थ का क्या होना है लेट्स अंडरस्टैंड सो टॉकिंग अबाउट दिस वन फिफ्थ दिस वन फिफ्थ ऑफ लैक्टिक एसिड विल बी oxidized टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. ठीक है हमने मसल से लैक्टिक एसिड को हटाना है क्योंकि जब तक लैक्टिक एसिड वहां पे रहेगा आपको पेन आपको क्रैप फील होते रहेंगे तो वन फिफ्थ को तो ऑक्सीडाइज करके हमने क्या बना दिया वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वॉट हैपन्स टू द रेस्ट ऑफ एट सी जो मेजर पार्ट है लैक्टिक एसिड का इसको यूज करके बॉडी ग्लूकोज बनाने वाली है देखो तो लैक्टिक एसिड देखो लैक्टिक एसिड ये कहां पे बना है दिस इज इन मसल्स राइट तो ये मसल से लैक्टिक एसिड जो फोर फिफ्थ है इसको डाला जाएगा ब्लड के अंदर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ना ब्लड इज गोइंग टू कैरी इट टू लिवर Lactic acid is carried to the liver. Now, liver is going to break down this lactic acid. Is it clear? So, liver is going to convert this lactic acid into glucose. Lactic acid will be converted to glucose. Kaha pe liver It is happening inside your liver. So, see, this is all happening in your liver. क्लियर अब लिवर के अंदर क्या बन गया ग्लूकोज अब इस ग्लूकोज को वापस कहां भेजा जाएगा मसल्स के पास ठीक है तो लिवर से अब इस ग्लूकोज को हम वापस डाल देंगे ब्लड के अंदर ठीक है नाउ दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड एंड ब्लड इज गोइंग टू कैरी दिस ग्लूकोज टू मसल्स ग्लूकोज इज सेंट बैक टू मसल्स एंड मसल्स विल यूटिलाइज दिस ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी Exactly, तो देखो लैक्टिक एसिड बना लेकिन बॉडी ने लिवर ने क्या किया उस लैक्टिक एसिड से और ग्लूकोज बना लिए है ठीक है जो वो खुद यूटिलाइज करेगा सो ना दिस ग्लूकोज तो अगेन फॉर्म लैक्टिक एसिड सो लैक्टिक एसिड जो हमें नुकसान पहुंचा रहा था अब उसी को हमने एज अ गिफ्ट कन्वर्ट कर लिया उसको कन्वर्ट कर लिया है हमने अपने ग्लूकोज में एंड हो डेड दैट

Is that clear? और की ये जो इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं बाई टेकिंग समयटमिनियर तो कभी भी अगर ऐसे क्रैम्स हो जाए जस्ट टेक सम मल्टी वाइटमिन एंड यू इन गेटिंग रेड ऑफ क्रैम्स एट ए फास्टर रेट इक्ट क्लियर चलिए सो दैट ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल्स हमने अभी तक देखो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर किया उसका मैकेनिज्म ऑफ मैकेजमेक्शन किया उसकी डिफरेंट टाइप्स की और जब वो थक जाती हैं तो क्यों थकती हैं और लैक्टिक एसिड का क्या होता है वी हैव रेड इट ऑल इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू कि जो बाकी दो मसल्स हैं इन्वॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स इनको हम अब कंपेरिजन करके पढ़ेंगे ठीक है चलो इन वॉलंट्री मसल्स के बारे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ चैप्टर आई टोल्ड यू ये आपके कंट्रोल में नहीं है सो वी कॉल दम इनवॉल्ट्री इनके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं है सो वी ऑल्सो कॉल देम नॉन स्ट्राइटेड ठीक है और ये आपके इंटरनल ऑर्गन बनाती हैं इंटरनल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं विसिरल ऑर्गन्स तो इसलिए इनको हम विसिरल मसल भी बोल सकते हैं एक्सैक्ट क्लियर अब ये जो इन मसल्स हैं इनके अंदर भी वही फाइबर्स प्रेजेंट होंगे राइट right? अब इनके फाइबर्स देखो कैसे होते हैं लेट्स क्विकली रिकलेक्ट आपके वॉलेंट्री मसल के फाइबर्स कैसे थे सिलेंड्रिकल थे ये सिलेंड्रिकल नहीं है इनकी शेप होगी ऐसी स्पिंडल शेप या फिर इनको फ्यूजी फॉर्म कहा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट दे आर फ्यूजी फॉर्म एनसीआरटी ने जो टर्म यूज की है दैट इज फ्यूजी फॉर्म शेप या स्पिंडल शेप क्लियर सेकेंड पॉइंट आपकी जो वोलेंट्री मसल थी वो बंडल्स में अकर करती थी राइट right? ये बंडल्स नहीं बनाएंगे ऐसे बहुत सारे फ्यूजि फॉर्म जो होंगे ये मिलके ऐसे शीट्स बनाते हैं क्या बनाएंगे शीट्स सो दे अकर इन शीट्स क्लियर दूसरा थर्ड पॉइंट आपका जो वॉलंट्री मसल का फाइबर था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था वाइल जो इन वोल्ट्री मसल फाइबर होगा दैट विल बी सिंगल न्यूक्लियस होगा और वो भी सेंटर में और उसका न्यूक्लियस क्या था मल्टी न्यूक्टेड एंड टूवर्ड्री सो दिस इज राइट इन द सेंटर सेंट्रल न्यूक्लियस इजेक्ट क्लियर वो भी अनब्रांच था अच्छा एक सिमिलैरिटी आ गई है कि आपकी वॉलंट्री मसल के फाइबर्स भी अनब्रांच है और ये भी अनब्रांच रहेंगे सो फ्यूज शेड फ्यूजी फॉर्म और ये साइड से देखो कैसे टेपरिंग है है ठीक टेपरिंग टेपरिंग एट द का मतलब जब एंड होते हैं ये तो दे आर कन्वर्जिंग टू फॉर्म द पॉइंटेड एंड टेपरिंग एट द दे हैव एंडेड एंड एग्जैक्ट क्लियर और इनके अंदर ट्राइशंस नहीं बनती है बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है गाइस वो फिलामेंट्स रोज में प्रेजेंट नहीं है जब हम बैंड्स पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू थिक 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 एक रो में आ जाता है इतना थिक हो जाता है कि उसमें से लाइट पेनिट्रेट नहीं करती एंड इट अपीयर्स डार्क राइट सो ए बैंड और डार्क बैंड लेकिन यहां पे ऐसा रोज वाला फैशन नहीं होगा दे आर प्रेजेंट जस्ट हाफ हैज अडी ठीक है रैंडमली प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे प्रेजेंट नहीं है सो लाइट कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू एनी वेयर इज़ इट क्लियर सो नो स्ट्रिएशन सो ऐसे होते हैं हमारे इन वॉलंटरी मसल फाइबर्स फ्यूजिफॉर्म आकरन शीट्स यूनि न्यूक्लियेटेड है सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और ये भी अनब्रांचड होंगे इज़ इट क्लियर और कहाँ पे आकर करते हैं जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है स्टमक यूट्रस इवन आपके जो आर्टरीज और वेंस हमने पढ़ी हैं उनके वॉल ट्यूनिका मीडिया मेड ऑफ स्मूथ मसल्स रिमेंबर ठीक है तो इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं सी वी हैव अनदर नेम फॉर इट वी कॉल देम स्मूथ मसल्स एज़ वेल क्लियर सो वहां पे भी यही वाली मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी इज दैट क्लियर अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी कार्डियक मसल्स पे

जो हार्ट की वॉल्स की थिकनेस वेरी करती है हमने कहा था ऑरिकल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है और वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है तो ये जो वेरिएशन है उसके उसकी वॉल्स की थिकनेस में वो वेरिएशन किस लेयर की वजह से आ रही थी मायोकार्डियम सो इट इज मेड अप ऑफ दीज कार्डिक मसल्स इज क्लियर कार्डिक मसल्स का अब स्ट्रक्चर देखते हैं स्टार्टिंग so, में मैंने एक लाइन बताई थी एक स्टेटमेंट थी कि जो इन आपके कंट्रोल में नहीं है स्ट्रक्चर right? इसने स्केलेटल मसल से ले लिया वॉलंट्री मसल के जैसा ले लिया लगभग सेम सेम ठीक है और फंक्शन ये अपनी मर्जी से करती है इनवॉल्ट्री मसल्स की तरह है सो दे लुक लाइक

लेकिन डिफरेंस ये है कि वॉलंट्री मसल फाइबर्स अनब्रांच थी और ये ब्रांच होंगी तो ये देखो इनकी ब्रांचिंग हो रखी है बहुत सारी इनकी ब्रांचेस पैदा ऐसे ब्रांचेस आर ऑफ कार्डिक मसल क्लियर सो दीज आर ब्रांच नेचर पॉइंट नंबर वन सो है तो सिलेंड्रिकल लेकिन ये ब्रांच्ड है इज क्लियर अब वो भी बंडल्स में अकर करती थी ये भी मिलके बंडल्स बनाएंगे दे अकर इन बंडल्स इज क्लियर स्ट्राइटेड मसल्स जो है वो मेनी न्यूक्टेड थी मल्टी न्यूक्टेड थी यहां पे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन दो या तीन जरूर होंगे तो इट इज नॉट यूनी न्यूक्लियटेड इट हैजू टू थ्री राइट सो इट हैज हैजू टू थ्री न्यूक्लियर कुछ बुक्स में सिंगल न्यूक्लियस लिखा होता है बट नो no.

जब हम मसल फाइबर पढ़ रहे थे स्केलेटल मसल का तो हमने देखा था कि उसकी जो सारको लेमा है वो टी टिब्यूल बना रही है ताकि मैसेज अंदर तक जाए अब यहाँ पे तो वो ब्रांच भी है तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक भेजने के लिए क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो किसी और मसल के अंदर हमें अभी तक नहीं दिखाई दिया एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ये स्पेशल डिस्क प्रेजेंट है जो क्विक ट्रांसमिशन कर रही है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इंटर कैलेटेड डिस्क इंटर कैलेटेड डिस्क स्पेशल जंक्शन होते हैं जहां से क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होगी एंड दीज आर दूनिक फीचर ऑफ ओनली कार्डिक मसल नॉट टू बी फाउंड इन योर वॉलंट्री और इनवॉल्ट्री मसल एक्ट कलर सो दिस इज अक फीचर फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनादर एक्ट क्लियर So, ये फीचर्स आपको ये सारा पॉइंट आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। so, guys, जहां, जहां पे भी के बारे है हमने सब कंपाइल कर दिया ठीक है सो यू कैन द चैप्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स क्विक ट्रांसमिशन फ्रॉम वन ब्रांच टू एन इज इट क्लियर चलिए सो ये हो गया हमारा कार्डिक मसल फाइबर क्लियर एंड इट इज फाउंड ओनली इन दार्ट डेयर एक बार देख लेते हैं ठीक है चलिए सो कार्डिक मसल देखिए इन द हार्ट देफॉर्म इनवल्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड ये इसका फंक्शन हो गया देन दे कम्प्राइज इनकी ब्रांचिंग होगी ठीक है एंड दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकलेटेड विदल न्यूक्लियस तो जनरली सिंगल लिखा होता है बट एक्चुअली इट हैजू टू थ्री न्यूक्लियर क्लियर ना कमिंग ऑन टू द स्केलेटल मसल ये सिर्फ हार्ट में है तो ये आपके जितने भी वॉलन्ट्री मसल्स हैं सब में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड क्यों बोलते हैं स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर मसलैच टू द बोन्स एंड योर स्किन और ये वॉलंट्री मूवमेंट्स शो करेंगी दी शो इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स दी शो और स्केलेटल मसल विल शो वॉल्ट्री मूवमेंट्स क्लियर नाव कार्डिक मसल फाइबर्स का फंक्शन क्या हो सकता है टू पंप द ब्लड टू पंप द हार्ट राइट और इनका काम क्या होगा टू पावर द जॉइंट्स एडिंग फिजिकल मूवमेंट्स क्लियर एंड ये जो आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं दे आर सिलेंड्रिकल दे आर मल्टी मल्टीन्यूक्लिएटेड बट दे आर अनब्रांच दे आर अनब्रांच इज दैट क्लियर कमिंग ऑन टू द स्मूथ मसल फाइबर्स नाउ स्मूथ मसल फाइबर्स दे लाइन दर्गन इंटरनल और काम कैसे करते हैं ये इन वोलट्री आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है ठीक है और दे विल मूव द इंटरनल ऑर्गन्स टू फैसिलिटेट दर फंक्शन तो जब हम खाते हैं खाना यानी जॉ के मूवमेंट्स जो, जो हैं ये वॉलंट्री मूवमेंट्स है क्लियर आपके यहाँ पे जितनी मसल्स हैं वॉलंट्री लेकिन एक बार पेट में खाना चला गया

एंड सिलेंड्रिकल इनर देन मोर डिफरें कार्डिक मसल फाइबर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वेरियस केमिकल्स तो हमने हार्ट के केस में पढ़ा भी था कि हार्ट को बेशक हार्ट जो है वो अपनी मूवमेंट खुद जनरेट करता है इट इज मायोजेनिक राइट लेकिन ब्रेन उसको मैसेज दे सकता है टेकि कार्डिया के लिए ब्रेडी कार्डिया के लिए राइट right? और अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम इंजेक्ट कर दिया तो वो एकदम से हार्ट कैन जस्ट स्टॉप बीटिंग एज वेल सो देर आर इफेक्ट ऑफ अदर केमिकल्स एज वेल था का रोल देखा था राइट देन इट हैज इंटरमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स की ठीक है हर वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं सबसे लो होंगी इनकी एंड इंटरमीडिएट होती हैं आपकी कार्डिक मसल्स की देन अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड योर स्मूथ मसल्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन एंड अगेन सर्टन केमिकल्स एंड स्ट्रेचिंग इनकी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होंगी दासी हैव इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बहुत तेज नहीं बीट करता है तुम्हें पता है हार्ट बीट हमने पड़ी थी हमने हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पड़ी थी पूरा कार्डिक साइकिल पड़ा है तो ऐसा नहीं है हर वक्त बीट करता जा रहा है उसकी एक प्रॉपर स्पीड है जैसे एक मिनट के अंदर इट विल ओनली बीट फॉर सेवेंटी टू एट्टी टाइम्स और इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बट स्टिल जो आपके स्केलेटर मसल फाइबर्स होंगे ये हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं एंड देन, ये जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, दे हैव इन दोनों के कंपेरिजन में काफी लो है एंड फाइनली दे एग्जिबिट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इसमें कोई रिदमिक rhythmic, रिदमेसिटी नहीं है इवन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्टमक की भी एक रिदम है जिसपे उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपके फूड को डाइजेस्ट करना है क्लियर चलिए सो दीज वर द डिफरेंसेस इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हम ऐड कर सकते हैं ना सी आपके जो कार्डिक मसल फाइबर्स है डू नॉट फिटीक राइट नो ये कभी भी नहीं थकते फाइन स्केलेटल मसल फाइबर्स डेफिनेटली फिटीक करते हैं स्टमक भी कभी फिटीक नहीं करती खाते खाते मुंह थक सकता है ठीक है जॉ मसल्स थक सकती हैं लेकिन पेट कभी नहीं थकता राइट सो इट विल कीप कीप कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल डाइजेस्टिंग फूड जितना भी आप उसको दे रहे हो सो so ये बिल्कुल नहीं करेंगी नो फिटीग ओनली स्केलेटल मसल्स जो है वो फिटीग शो करेंगी इज दैट क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द समिफरें नाउ यहां तक हमारा एक पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है दैट इज योर मस्कुलर सिस्टम ट होगी जो कि बोन्स को मूव करवाएंगी क्योंकि बोन्स अपने आप मूव नहीं करती लेकिन बोन्स डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि वो मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो रैपिड हो सके इजेक्ट क्लियर चले तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज स्केलेटल सिस्टम सो गाइज ये सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में ह्यूमन स्केलेटल जो डिटेल्स करने हैं ये हम कल की क्लास में करेंगे लेकिन आज मैं बेसिक सा तुम्हें यह बता रही हूं कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट हम पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो स्ट्रक्चर से बना है ठीक है एक तो बोन्स सबको याद आ रहा होगा एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज कार्टिलेज इज क्लियर कार्टिलेज और ये स्केलेटल सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू योर कनेक्टिव स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचूंगी सो यू विल रियलाइज कि ड्यूरिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा हिस्सा कर लेना है नेक्टिव टिश्यू जो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा अब सबसे ज्यादा जो आपका टिश्यू है स्पेशलाइज में, में दे रखा है आपके एनसीआर टी में कई तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है बट लेट सी तो बोन एंड कार्टिलेज देट टूगेदर फॉर्म योर स्केलेटल सिस्टम क्लियर नाउ सी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू किसको हम बोन बोलते हैं किसको कार्टिलेज बोलेंगे let's understand. Today, itself, और कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम बोन जो होती है गाइस, वो हार्ड होगी और इनफ्लेक्सिबल होती है यानी कि आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं राइट right? बट जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू द बोन नॉट अदरवाइज अदरवाइज अगर हम देखें तो यहां पे जो दो बोन्स के बीच में यहां पे जो कार्टिलेज है इट इज मोर मोर एंड मोरन लेस लाइक अ हड्डी लाइक अ बोन ठीक है कितना हार्ड लग रहा है पता भी नहीं लगता कि ये बोन नहीं है अगर किसी को ना पता हो बी मेडिकल स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा बट अगर आप चलते फिरते किसी को पूछेंगे तो उसके लिए क्या है ना कि हड्डी बट इट इज नॉट अ हड्डी इट्स अ कार्टिलेज राइट बट ये देर आर सम प्लेसेस समेर वी हैव फ्लेक्सीबल कार्टिलेज जैसे टिप ऑफ द नोज जैसे ये पिन्ना तो कहीं कहीं ये फ्लेक्सीबल भी होता है तो कार्टिलेज की टाइप्स हैं। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कार्टिलेज right? um, तो के अंदर कैल्सिफिकेशन हो कार्बन सॉरी कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी, uh, जाएगी ठीक है तो वो और ज्यादा हार्ड होता जाएगा बट एज कंपेयर टू द बोन कार्टेलेज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल क्लियर देन

कैल्शियम फॉस्फेट दिस इज द मोस्ट अबंड ऑफ बोन डो राइट इट समेयर मोस्ट अबंड प्रीवियस इश्चन क्लियर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट आर ऑल्सो फाउंड हेयर द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इज रेयर और लेस देन ब्लड सप्लाई यहां पर थ्रू हार्वेशियन केनाल्स होगी नासी अगर हम बोन की बात करें मान लो कि ये आपकी बोन है ठीक है सो so, इस बोन की जो लॉन्गिट्यूडनल इसकी वॉल के अंदर बोन की वॉल के अंदर बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल केनाल्स रहती हैं जिनको हम बोलते हैं हार्वेशन केनाल ठीक है और ये हार्वेशन सिस्टम हार्वेशन ये सिर्फ मैमल्स की बोन्स में होता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टेल यू एल्टेलिट हार्वेशन सिस्टम इज सो ये हार्वेशन केनाल सिर्फ मेमेलियन बोन्स के होंगे और उसके थ्रू ये ब्लड सप्लाई पहुंचती है वेर आज कार्टिलेज के अंदर हार्वेशन के ब्लड सप्लाई थ्रू आउट नहीं होती सिर्फ ऊपर ऊपर होती है ठीक है सो ब्लड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द आउटसाइड थ्रू आउट कार्टिलेज ब्लड सप्लाई नहीं होगी वाइल बोन को अंदर तक ब्लड सप्लाई पहुंचती है देन मेट्रिको कंसेंट्रिक लेमेले ठीक है ये कंसेंट्रिक लेमेले और केनाल्स मिलके बनाएंगे हमारे हार्वेशन सिस्टम सो so, वी we'll सी वॉट हार्वेशन सिस्टम इज क्लियर अभी समझते हैं इसे हम नाउ सी इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होमोजेनस होता है यानी देर आर नो कैनाल्स नो सच सिस्टम इज फाउंड नाउ यहां पे लेकोने हैव ब्रांच्ड एंड रेडिएटिंग चैनल्स कॉल्ड कैनालिकुलाई उससे पहले समझो बोन की बोन के लिए जो वर्ड हमने यूज करना है दैट इज ऑस्टियो ठीक है और कार्टिलेज के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज कॉन्ड्रो क्लियर सो स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोलॉजी बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या होंगे ऑस्टियोसाइट्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स क्या होंगे कॉन्ड्रोसाइट्स आई वेडिंग दिस दिस इज हाउ वी यूज द टर्मिनोलॉजी तो बेसिक रूट समझना शुरू करो बायोलॉजी में हर टर्म तुम्हें पता हो ये पॉसिबल नहीं है बट हम वर्ड्स को तोड़ के बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है और पहला स्टेप होता है जब हमें बायोलॉजी ना इजी लगनी शुरू होती है टर्म्स याद आनी शुरू हो जाती हैं, अगर हमें उसके वर्ड रूट समझ आने शुरू हो जाए चलिए नाउ कमिंग अब देखो, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं सो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं दे आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स और तुम्हें पता है कि हर सेल का कोई ना कोई मदर सेल होता है या प्रिकर्सर सेल होता है तो प्रिकर्सर सेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट इज इजा क्लियर याद आ रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस है ना तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहां से वर्ड आया था मैंने बताया था कि किसी का ब्लास्ट नहीं हो रहा है एरिथ्रोब्लास्ट वर्ड इज द प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट राइट इसी तरह से जो बोन को बनाने वाला सेल है ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल बोन फॉर्मिंग सेल लेकिन इस बोन फॉर्मिंग सेल का कहां से ओरिजिन हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट से सो दिस इज द बोन का तो किसी भी प्रिकर्सर सेल इज दिकर्सर सेल होगा तो नाम के पीछे ब्लास्ट आता है बोन प्रिकर्सर सेल क्लियर नासी जो ऑस्टियोसाइट है बोन फॉर्मिंग सेल्स ये कैसे होते हैं ये कुछ ऐसे होंगे स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं नॉर्मली so, सेल ऐसा होना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं है ये कैसा है ये कुछ ऐसा है इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे ठीक है ये साइटोप्लाज्म इस तरह से प्रोसेसेस शो करता है, नहीं? ये इसकी प्रोसेसेस है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है ये बीच में न्यूक्लियस हो गया ये सारा इसका साइटोप्लाज्म जा रहा है ठीक है और ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं दो चीजें ठीक है

सो so, ऑस्टियोसाइट्स ये बनाएंगे सॉल्ट एंड ओएसएन अब ये जो सेल्स होते हैं सो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ठीक है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अब अगर हम कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स देखेंगे कॉन्ड्रोसाइट तो उनकी ऐसे कोई प्रोसेसेस नहीं होती ठीक है और ये प्रेजेंट होते हैं लेकुना के अंदर लेकुना का मतलब कैविटी और उस कैविटी के अंदर फ्लूड रहता है और कैविटी भी इन प्रोसेस के हिसाब से ब्रांचिंग शो करने लग जाती है सो दिस इज अ फ्लूड फिल्ड कैविटी जिसके अंदर की ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है इज दैट क्लियर सो दिस इज द फ्लूड फिल्ड कैविटी एंड कैविटी इज नोन एज लेकुना फ्लूड फिल्ड लेकुना एंड इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को एडजस्ट करने के लिए लेकुना के अंदर क्या बन गए हैं किनाली कुलाए बन गए केनाल्स बन गए हैं स्मॉल घनास नोनेस घनाली कोलाई ठीक है तो बोन के केस में जो लैकोने हैं वो किनानी कोलाई शो करेंगे ठीक है और जो सेल है यानी ऑस्टियोसाइट है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस शो करेगा डन और एक लैकोना के अंदर सी जब लैकोना है लैकोना मींस कैविटी नाउ दिस लैकोना विल हैव वन सेल ओनली वन सेल पर लैकोना इज इट क्लियर पर लैकोना अब जरा देखते हैं हम कोंड्रोसाइट तो देखो कॉन्ड्रोसाइट यानी जो कार्टिलेज बनाएगा उसका भी प्रिकर्सर सेल होने वाला है कॉन्ड्रोब्लास्ट ठीक है कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनेगा कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल क्लियर और ये जो कॉन्ड्रोसाइट है गाइस ये एक नॉर्मल सा सेल है ऐसा इसके कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस नहीं है यह भी लेकुना के अंदर प्रेजेंट है और लेकुना के अंदर एक से दो दो से तीन सेल्स भी हो सकते हैं और देखो यह नॉर्मल लेकुना होगा फ्लूड फिल्ड लेकुना ना तो सेल की साइटोप्लाज्मिक है और ना ही लेकुना के अंदर कोई केनाली बनी सो so यह है टिपिकल सा कॉन्ड्रोसाइट दैट इज या कार्टिलेज सिक्रेटिंग सेल और ये कार्टिलेज सिक्रीटिंग सेल क्या बनाएगा क्या रिलीज करेगा ये प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है कॉन्ड्रिन इट इज अ प्रोटीन इज दट क्लियर और यहां पे हम देख पा रहे हैं आर टू सेल्स टू सेल्स पर लेकुना टू से थ्री सेल्स हो सकते हैं पर लेकुना इज दट क्लियर ठीक है नाउ सी सो ये हो गया हमारे सेल्स

और इस केस में देखिए जो कोंड्रोसाइट्स हैं प्रेजेंट सिंगली और इन ग्रुप्स, ठीक है, टू से फोर हो सकते हैं इन क्लियर सो इसके अलावा भी मैंने आपको पॉइंट बताए इसके सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बता रहे हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट बोल रहे हैं इधर हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट है प्रोटीन का नाम ओइसन है इधर प्रोटीन का नाम कॉन्ड्रन है क्लियर सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज आपको स्कूल के एग्जाम के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में ये आ सकता है क्लियर आई हैव टोल्ड यू हियर बिकॉज स्केलेटल सिस्टम गाइज हमारे केस में दो चीजों का बना हुआ है वन बोन्स एंड सेकेंड इज योर कार्टिलेज इसके अलावा देखो हमारे अंदर मेनली जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है वी हैव मेनली एंडोर स्केलेटन लेकिन हमारे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जोस्केलेटन भी बनाते हैं तो अगर बॉडी से बाहर स्केलेटन होगा तो इट विल नोन एज एक्सोस्केलेटन और अगर अंदर होगा तो एज एंडोस्केलेटन ठीक है तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है बोन्स एंड कार्टिलेज का क्लियर और हमारा एक्सोस्केलेटन किसके किस चीज से बनता है कैन यू थिंक ऑफ इट

एनर्जी सोर्स कौन होता है इन अ हर्डल रेस तो बहुत लंबा दौड़ रहे हो आप ठीक है तो उस सिचुएशन में जो मेजर एनर्जी सोर्स रहेगा तो क्या हो सकता है ग्लाइकोलिस नहीं ग्लाइकोलिस तो सिर्फ दो एटीपी बनते हैं तो दैट इज वेरी इनकम्प्लीट ठीक है लैक्टेट एंड पायरोट नो प्रीफॉर्म्ड ए टीपी

और लगातार कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है रिलैक्सेशन हो ही नहीं रही है तो जब लगातार मैसेज आता जाएगा आता जाएगा और आपकी मसल बिना रिलैक्स के स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है उसके लिए टर्म यूज होती है टेटनस नॉट फिटीग हमने उस दिन फिटीग मैंशन कर दिया था फिटीग होता है कि रिलैक्सेशन हो रही है लेकिन बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहां पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है इज इट क्लियर सो समन हैज एक्चुअली इट मैं सो सो ठीक ठीक है है तो प्लीज नोट नोट दिस डाउन इट इज टेटनस जब बीच में रिलैक्सेशन नहीं होगी तो मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन मीज लगातार जब कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे तो दैट इज नोन टेटनस आपने कभी ना कभी फील भी किया होगा लाइक uh, like मेरे केस में अगर मैं पैर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रही हूं ना तो रिलैक्स करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो अभी भी अकड़ी सी रह जाती है उस बीमारी में भी यही होता है कि आपकी ये जो जॉ की मसल्स हैं, ये जो नेक की मसल्स हैं दे गो परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से गला दब जाता है एंड वी क्लियर तो वो टेटनस बीमारी भी हो सकती है ये हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से भी टेटनाई हो सकता है और नॉर्मली भी कई बार हम ये करते हैं, so अगर नहीं तो फॉलोइंग मसल गेट्स इन टू फिटीक वेरी अर्ली सबसे पहले फिटीक कहाँ होता है देखो स्केलेटल मसल में स्मूथ मसल में कार्डिक मसल में या ऑल ऑफ दबाव तो सबसे जल्दी कहां पे होगी थकावट

आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अभी हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे बट इतना आइडिया तुम्हें जरूर हो चुका होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मीन अपने आप काम करने वाला इनवॉल्ट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला क्लियर सो so yes, ये भी करेक्ट है यह भी करेक्ट है सो वेरी सिंपल एंड स्ट्रक्चर ये भी है इट दे आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड दे आर सिंगल सेल्ड और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है तो आंसर इज डी जे क्लियर चले कार्डिक मसल आरिंग कैरेक्टर्स कार्डिक मसल के अंदर दोनों मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे राइट स्ट्राइब्ड मसल के भी ठीक है सो आंसर इज बोथ ए एंड बी आंसर इज सी हमने देखा था फंक्शन स्ट्रक्चर इज लाइक द स्ट्राइब्ड मसल एंड लाइक द अनस्ट्राइब्ड मसल क्लियर चलिए सो टाइम फॉर अनादर बर्ग एक्विज ई होप कि आपने लेक्र अटेंड किया होगा और सीधा सीधा इस पे जंप नहीं किया होगा तो लेट सी द बर्गर क्वेज ऑफ द डे सो बर्गर क्वेज ऑफ द डेमेकोर दैट हार्ट कीप्स बीटिंग आई एम माई ओन मास्टर ब्रेन कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द हार्ट बट ओनली थ्रू मी आई एम श्योर यू नो द आंसर जल्दी से लिखे इसे कॉमेंट सेक्शन में ठीक है एंड आई एम डेफिनेटली कीपिंग नोट ऑफ द स्टूडेंट हुई सबसे पहले and the names will be announced at the end of the chapter all right guys thank you so much and tomorrow we'll be starting with the next part of the chapter that is human skeletal system i'll see you tomorrow until then take care of yourself and have a wonderful day all the very best